A son hai. Please have a seat. इधर लेना इनको माइक. सर आज के यूथ के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है सर, जैसे ही हम 25 क्रॉस करते हैं, लाइफ में सेटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे सर, करियर में सेटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट इज मैटर. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेरेंट्स की तरफ से कि अब 25 क्रॉस कर लिया है भाई, सेटल हो जा, शादी कर ले. मतलब पर्सन को कौन सी एज तक सेटल हो जाना चाहिए, या कोई इसकी पर्टिकुलर एज है या नहीं है, या हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है सर? कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? बड़ा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर. हाँ क्या भाई, ज़बरदस्ती मतलब आपकी कोई प्रोफाइल अपलोड करी जा रही है क्या, कोई शादी वाली मैट्रिमोनियल साइट पे? हाँ ज़बरदस्ती शादियाँ कराई जा रही है क्या? ओहो कितना बुरा हो रहा है सर. आप मतलब सर एक आप इस तरह का मैसेज दे दीजिए ताकि हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझेगी. आपके पेरेंट्स आपकी तो सुनते नहीं, मेरी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे सर. सर बिल्कुल सुनेंगे आपको. बिल्कुल सर. माइंड में प्रेशर हो जाता ना कि नहीं अब सेटल जल्द से जल्द होना है सर. सच सच बताना, मतलब ये प्रेशर उनकी तरफ से आ रहा है खुद भी अंदर से? नहीं मतलब कई बार तो मन करता होगा कि यार क्या अकेले नहीं सर, ऐसा सर होनी चाहिए. सर देखो जो नसीब में लिखा है सर, वो 28 पे भी वही मिलनी है, 30 पे भी वही मिलनी है, तो सर क्या मतलब कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी आप, क्योंकि ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है. मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसकी डेप्थ देख पाए आप लोग? को डेप्थ ही नहीं तो देखी क्या? टट्टू लाठी में. यस सर. मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर कंफ्यूज कि हम कौन सा डिसीजन लें. से आप अगर आप इनका बात करो, से शादी वाला बात, तो हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन, और हमें पता कैसे चलेगा कि द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग इज राइट और रॉन्ग. And what is the right decision? What is the right decision? How we will get to know that the decision we are taking is ऐसे में शादी करना ठीक है या नहीं करना ठीक है, कभी नहीं करना ठीक है या अभी करना ठीक है? हाँ अभी मतलब यही. यहीं पर एक हवन कुंड लगेगा. ओम मंगला देखो आता है. सबसे पीछे उधर उनको कॉर्नर में दे दो माइक. सर एक्चुअली आजकल अभी पीछे एक इंडिया में सर्वे हुआ था, तो उसमें पता लगा था कि आजकल जो सबसे कॉमन इश्यूज है स्टूडेंट्स में, उसका नाम है ADHD, अगर आपने सुना हो तो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम. इसकी काफ़ी मेडिकेशंस भी आजकल स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मोडाफिनिल काइंड ऑफ. अच्छा तो चीज़ों को लेकर हम अटेंटिव नहीं है, और ये काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है हमारे इंडिया में. मतलब अटेंशन डेफिसिट आगे क्या है? हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम. मतलब कि माइंड हमारा हाइपर एक्टिव मोड में है. यस सर. जिसकी वजह से हमारी अटेंशन कभी भी एक पर्टिकुलर थॉट पे या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रुक नहीं पाती है. यस सर. तो कैसे रोकें? यस सर. अपने माइंड को अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर. यस सर. जिससे कि उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकें. यस सर. क्योंकि कोई ऐसा माइंड जिसके अंदर एक साथ में बहुत सारी चीजें घूम रही है, तो क्या डिसीजंस लेगा? अब वहां पे राइट डिसीजंस क्या है जो अभी आप बात कर रहे थे? राइट डिसीजन, व्हाट इज द राइट डिसीजन? पहले इस थॉट के साथ ठहरना होगा ना. जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ में, उसकी हर साइड को देखना होगा, उसके प्लस को भी देखना होगा, उसके माइनस को भी देखना होगा, फिर डिसीजन लेना होगा कि मेरे लिए क्या करना सही है. क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है. जो आपके लिए सही है, हो सकता है किसी और के लिए गलत हो. नहीं, राइट और रॉन्ग की कोई डेफिनेशन है? देयर इज नो डेफिनेशन. जैसे आपने शादी की बात करी, तो कोई एज है शादी की? तो अब ये डिसीजन कैसे लें? ये डिसीजन हो, चाहे अपने करियर का डिसीजन हो, चाहे जो भी आपके माइंड में आइडिया आया है कि मेरे को ये करना है, उस आइडिया के साथ ठहरना पड़ेगा ना. तभी तो उस आइडिया की जो पॉसिबिलिटीज है, उस आइडिया का जो एक्चुअल पोटेंशियल है, वो आपके सामने खुलने लग जाएगा. आइडिया आया, इमीडिएटली एक्साइटेड हुए, और फिर जैसे ही उसका कुछ नेगेटिव साइड हमको दिखता है, तो हम एकदम ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं. तो क्या हमारी लाइफ ऐसे नहीं चलती रहती है? एक मिनट में एक्साइटेड हो गए, अरे वाह वाह शादी बहुत बढ़िया है, अगले मिनट बेकार है, बढ़िया है, बेकार है, बढ़िया है, बेकार है. ये नहीं चलता रहता है, उथल पुथल नहीं चलती रहती है लाइफ. बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रोलर कोस्टर में आपको बिठा दिया जाए. कुछ देर तक तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है. सोचो आपको बांध करके वहीं पर बिठा दिया जाए कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, क्या हालत होगी? उल्टियाँ करोगे. रोलर कोस्टर की बात करूँ, एक जॉइंट व्हील की बात करता हूँ. जैसे गोल एक व्हील है, जितना आप सेंटर से दूर हो
उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है जितना आप सेंटर के पास आते चले जा रहे हो. बिल्कुल सेंटर पे आ जाओ तो सेंटर घूम ही नहीं रहा है. सेंटर नहीं घूम सकता है. सेंटर पे जो टिका हुआ है वो घूमता है ना. तो वहां पर आप स्टिल होकर के इस पूरी मूवमेंट को देख सकते हो. सोचो ये कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए. जब है सेंटर में आ जाओ और फिर घूमने चले गए फिर सेंटर में आ गए. बट हमें ये नहीं पता है सेंटर में कैसे आते हैं. सेंटर को गोल बनाना पड़ेगा. बट व्हाट इज द सेंटर दैट आई एम टॉकिंग. व्हाट इज द सेंटर. बैक टू द बेसिक्स. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लाइफ. हम बेसिक्स से हट जाते हैं लाइफ में बार बार. जितना हम बेसिक्स पे आते चले जाते हैं तो जो बेसिक जो नीड है वो बहुत कम है. और वो हम सबकी पूरी हो रही है. पेट सबका भरा हुआ है. कपड़े सबने पहने हुए हैं. क्या हंस क्यों रहे हो. कोई नंगा भी है क्या. रहने के लिए घर है ही. तो प्रॉब्लम क्या है. इसको बोलते हैं कमिंग बैक टू द बेसिक्स. एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां से शुरू करो ना. समझे. बचपन में यही तो चाहिए था. और क्या चाहिए था. ड्रीम्स गोल्स ये सब ये कहां थे. तो हुआ क्या. हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और खुद ही उन कॉम्प्लिकेशंस में फंस करके रह गए. यानी पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत है लेकिन खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. बचपन में कितना पैसा था आपकी जेब में. खुश थे या नहीं थे. 2 रुपए भी. अरे बड़े अमीर थे. कौन है. मेरी जेब में 2 रुपए भी नहीं होते थे. बचपन अच्छा था. एज फार एज हैप्पीनेस इज कंसर्न. कोई स्ट्रेस नहीं. कोई टेंशन नहीं. कम में भी खुश थे. ऊंच नीच के पापड़े में भी खुश थे. नहीं. हाँ खो खो में भी खुश थे. गुड्डी गुड़िया ये वो उसमें भी खुश थे. इससे क्या समझ आ रहा है कि खुश रहने के लिए हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए. बस हेल्थ थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में हो. सांस चल रही हो. खुश है. अगर खुश रहना आता है तो. अगर नहीं रहना आता है तो कितना भी मिल जाए. नेम फेम मनी ये वो सब कुछ मिल जाए आपको. इस पूरी दुनिया का राज मिल जाए फिर भी दुखी है. ऐसे लोग हैं या नहीं है दुनिया. अरे भरे पड़े हैं. इनफैक्ट मजे की बात बताऊं जिसके पास जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दुखी मिलेगा आपको. तो शुरू कहां से करें. अपने ध्यान को सेंटर पे लाना. अपने ध्यान को ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पर कंफ्यूजन है तो क्या हो. और कंफ्यूज हो जाओगे. अगर किसी ऐसी जगह पे आपका ध्यान आ जाए जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. जीरो कंफ्यूजन. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. कोई चॉइस नहीं है. कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. वहां पर आपका ध्यान ज्यादातर रहे. और फिर अगर आपके सामने कोई चॉइस आए कोई डिसीजन आए तो कितनी जल्दी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो. दोनों में फर्क देख पाए. नहीं देख पाए. देखो एक कंप्यूटर है जो हैंग हुआ पड़ा है. एक कंप्यूटर है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है और एक के बाद एक और प्रोसेसेस आती चली जा रही है. ये जो चॉइसेस है हमारी लाइफ में डिसीजंस है ये सब क्या एक तरह की प्रोसेसेस चल रही है ना. तो कितनी सारी ऑलरेडी प्रोसेसेस चल रही हैं. पास्ट से रिलेटेड फ्यूचर से रिलेटेड खुद से रिलेटेड औरों से रिलेटेड अपने ड्रीम से रिलेटेड करियर से रिलेटेड ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है और सब हैंग हुआ पड़ा है. तो एक तो है अटेंशन को वहां पर लगाओ तो क्या होगा. कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी. लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी. तो बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या हुआ. ऐसी जगह जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जहां पे कोई पास्ट नहीं है जहां पे कोई फ्यूचर नहीं है. ब्रेथ चल रही है. चल रही है नहीं चल रही है डाउट है. ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. मोस्ट इंपॉर्टेंट. कितनी बार आपका ध्यान यहां पर होता है. दिस इज कॉल्ड कमिंग बैक टू द बेसिक्स. सोचो जो भी आप चाहते हो सब मिल जाए. ब्रेथ चलनी बंद हो गई. हो सकती है नहीं हो सकती. हमेशा के लिए चलने वाली है क्या ब्रेथ. कभी तो बंद होगी. कब हो सकती है. कभी भी हो सकती है. अभी तो चल रही है ना. कल का नहीं पता कि कल रहेगी ब्रेथ या नहीं रहेगी. कल चलेगी नहीं चलेगी. अभी तो चल रही है ना. सच को आप देख लो और यहां पर आकर के आराम से टिक करके बैठ जाओ. ब्रेथ चल रही है. बहुत अच्छी. बाकी काम तो अपने आप होते रहेंगे. सच है झूठ. तो क्या हुआ इससे. क्या आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लाइफ की. नहीं हुई. क्या हुआ. लेकिन कुछ हुआ या नहीं हुआ. इसकी वजह से सारी प्रोसेसेस जीरो नहीं हो जाती है. कुछ देर के लिए होती है नहीं होती है. दिस यू कैन कॉल इट एज कमिंग बैक टू द सेंटर. अब आप इस पूरे जॉइंट व्हील को देख सकते हो. इस पूरी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो. जो बंदा इस लाइफ में फंसा हुआ है वो कभी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता.
बस मेरी प्रॉब्लम, मेरा ये, मेरा वो, बल 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 बल, वही फंसा पड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं है ज्यादातर लोग, मैं से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। वो मैं कहाँ है, जो मैं फंसा हुआ है वो कहाँ है, ये समझ पा, ये जॉइंट व्हील है, जो मैं फंसा हुआ है वो कहाँ है, जो सेंटर में है वो फंसा हुआ है या दूर निकल गया है सेंटर से, वो फंसा हुआ है, जो बचपन से दूर निकल गया है, जो बड़ा हो गया है, जो बुढ़ा हो गया है माइंड के लेवल पे, वही तो फंसा हुआ है। बच्चा कहाँ फंसा हुआ है? बच्चा तो अभी भी खिलखिला सकता है, अभी भी हंस सकता है, रो सकता है, भाग सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर का बच्चा थोड़ी फंसा हुआ है, वो तो वहीं का वहीं है। जैसे जैसे इस सच को आप देखते चले जाते हो, यानी होगा क्या, अभी बात सुनी, अब सुनने में बड़ी अच्छी लगी, जैसे यहां से बाहर निकले, अपने घर पे गए, फिर से फंस गए, सर आपकी सारी बातें समझ आए, लेकिन आपको पता नहीं मेरी बीवी कैसी है, लेकिन आपको पता नहीं है मेरा बॉस कैसा है, लेकिन लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भटक गए फिर से लोगों में, चीजों में। क्लियर सोचने के लिए हमारी अटेंशन फ्री होनी चाहिए। आप आपकी ब्रेथ ज्यादा हो या आपके सक्सेस फेलियर ज्यादा हो, जो आपके सक्सेस फेलियर है, जो आपकी नॉलेज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर उसको निकाल भी दो आपके माइंड से, तभी क्या मरने वाले हो? ब्रेथ को निकाल दो तो पास्ट में कुछ गलत आपके साथ हुआ है, वो चाहे रहे या निकल जाए, यहां से कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने यहां पे इसीलिए रहे भी लगा दिया, क्योंकि अगर ये बात समझ नहीं आई तो आप उसको निकालने की कोशिश करोगे। क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो रहा तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है। पास्ट में बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, अगर वो पड़े भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला है? ब्रेथ तो चलती रहेगी ना फिर। समझे? अगर ये बात समझ आ रही है तो एक झटके में आपका पास्ट गया। नाउ देयर इज नो पास्ट, नो पास्ट इन द सेंस इन योर अटेंशन, देयर इज नो पास्ट, अदरवाइज पास्ट इज देयर, मेमोरी पड़ी हुई है, जरूरत है तो वो काम आ जाती है। बट यू डोंट गो देयर, वहां पर बैठे नहीं रहते हो कि हाँ पास में ये मेरे साथ गलत हो गया, ये अच्छा हो गया, सो व्हाट, दैट इज अ वेरी टाइनी लिटिल पार्ट ऑफ हु आई एम। ये बात सच है झूठ है? है, वो आपका पार्ट है, बट कितना बड़ा पार्ट है? छोटा सा नहीं। हम सुबह से रात तक कहां फंसे हुए हैं? रिलेशंस में, पोजेशंस में। जो भी रिलेशंस आपके हैं, अगर वो सब खत्म हो जाए तो क्या नए बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं। तो क्या आप आपके रिलेशंस हो? अब मैं ये नहीं कह रहा रिलेशंस को खत्म कर दो, पड़े भी रहे तो क्या दिक्कत है, और खत्म भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? वही तो रिलेशनशिप में एक्चुअल में सामने वाले को फ्रीडम दे सकता है, जिसको डर है कि अगर रिलेशनशिप खत्म हो गई तो पता नहीं क्या होगा, वो तो कब्जा कर लेगा सामने वाले के ऊपर, उसको पकड़ लेगा, उसको पोजेस कर लेगा, वहां पे जेलेसी आ जाएगी, वो इस थॉट से ही पागल हो जाएगा या हो जाएगी कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जिसको मैं कह रहा हूं छोड़ना रिलेशनशिप को, वही एक्चुअल में एक अच्छी रिलेशनशिप का ग्राउंड है। आप जितना छोड़ दोगे उतनी रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला बंदा कभी भी सफोकेट नहीं होगा। तो जब आपका माइंड यहां से फ्री हो जाता है रिलेशनशिप से, फ्री कैसे होता है? रहे तो बहुत बढ़िया है, ना रहे तो कोई बात नहीं। ये आप उसको नहीं बोल रहे, अपने अंदर बोल रहे, कान के नीचे घुमा के पड़ेगा उसको, तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, अंदर ही अंदर हंस रहे हो, अरे कोई बात नहीं। और ऐसे को कोई नहीं छोड़ता, सच बता रहा हूं। आप खुद सोचो, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ में बिल्कुल इस तरीके से है, यहां तुम्हें जो करना है करो, रहना है रहो साथ में, छोड़ना है छोड़ दो, जो तुम्हें ठीक लगे बता देना, आई एम ओके विद ऑल द ऑप्शंस। तो क्या ऐसी से कोई लड़ाई झगड़ा होने की गुंजाइश रह जाती है? प्यार बढ़ता चला जाता है, वहां से प्यार की शुरुआत होती है, एक्चुअल में तो प्यार वही है ना। तो रिलेशनशिप्स को आपने अपनी जगह पर रख दिया कि रिलेशनशिप्स आर अ वेरी स्मॉल लिटिल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ तो बहुत बड़ी है ना, उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स, छोटा सा एस्पेक्ट है पास्ट, छोटा सा एस्पेक्ट है पोजेशंस। पोजेशंस मतलब क्या? अब जो भी मेरे पास में है, जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, उसमें पैसा भी आ गया, वो रहता है रहे, नहीं रहता कोई बात नहीं। क्या ये अपने अंदर से बोल सकते हो? यस सर। अरे सुनना मैंने क्या बोला है,
जिस मंदिर में जाकर के आप लाइनों में खड़े होते हो, प्रसाद चढ़ाते हो और भीख मांगते हो कि हे भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वहां जाकर के उस भगवान के सामने बोल सकते हो अपने पूरे दिल से कि भगवान मेरे पास में जो भी कुछ है, जो चीजें हैं, जो लोग हैं, वो रहते हैं रहे नहीं रहते कोई बात नहीं, बोल सकते हो? अरे छोड़ो, भगवान कई बार सुन लेता है। मतलब कल सुबह उठे बोलूंगा नहीं, ये बोलने का अगर दम है आपके अंदर, और सिर्फ बोलने का नहीं, इस तरह से जीने की अगर समझ है, तो अब आप फ्री हो, अब आप आजाद हो, वहां से एक्चुअल में लाइफ की शुरुआत होगी। नहीं तो अभी तो हम सिर्फ रोबोट्स की तरह जी रहे हैं, अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीडेड है वो हमको भगा रही है, तो रोबोट नहीं हो गए, कंप्यूटर नहीं हो गए। तो लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, वहां तक आप पहुंचते हो धीरे धीरे, जब इस ब्रेथ से भी आप हटते हो, हम देखते हो जो ब्रेथ है ये भी अगर चलनी बंद हो जाती है तब भी मैं रहता हूं। ब्रेथ इज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। तब आपको नजर आता है कि मैं सिर्फ यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं। वहां पर मतलब सिर्फ वहां पर नहीं, यहां पर भी हूं, हर जगह हूं। ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा तो हो गया। कौन हो आप, मतलब कभी अपने सच तक पहुंचने के बारे में सोचा भी है या बिजी हो चिंती चीजों में सुबह से रात? आप कौन हो, आप इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का ग्राउंड, ग्राउंड मतलब वो प्ले ग्राउंड नहीं, द वेरी एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स इज यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।